हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो टुडे वी विल मेक डी आवर कलरिंग किट। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई हैव दिस ओल्ड चिकन रोस्ट बॉक्स एंड आई थॉट व्हाई शुड नॉट वी मेक अ डी आवर कलरिंग किट। सो आज हम बनाने वाले हैं इसे कलरिंग। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो यहाँ पर मैंने ग्लिटर शीट लगा ली है एंड अंदर की तरफ भी मैंने यहाँ पर कंप्यूटर शीट येलो शीट लगा ली है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था तो इसलिए मैंने यहाँ लगाया ताकि वो नीट एंड क्लीन लगे। सो भी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहीं पर हम अपनी कलरिंग किट बनाने वाले हैं। सो अंदर आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्पेस है एंड इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं। सो चलो कलरिंग किट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो कलरिंग किट बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं पेपर्स। तो इन काफ़ी सारे पेजेस पे मैंने ड्राइंग कर ली है। सो एक एक करके मैं आपको अपनी ड्राइंग्स दिखाती हूँ। सो फर्स्ट मैंने ड्रॉ किया है यूनिकॉर्न एंड नेक्स्ट पे मैंने ड्रॉ कर ली हूँ एवोकाडो, एंग्री बर्ड, पियर, फिश जो कि स्विम कर रही है एंड रोज़ फ्लावर एंड न्यूटेला का जार एंड मेरा फेवरेट और सबका फेवरेट यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न किसको पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। सो अब हम इसे गाइस, मेरे पास ना बिंडर क्लिप नहीं था सो मैंने एक लिया पेग एंड उसी की मदद से मैं इसको सिक्योर कर लूँगी। तो अगर आपके पास ये बाइंडर क्लिप नहीं है तो आप पेग से सिक्योर कर सकते हो। सो अब जो मेरी ड्राइंग है मैं उसको बाउंड्री उसकी कर रही हूँ यहाँ पर ब्लैक मार्कर से। सो आपने भी अपनी सारी ड्राइंग्स को ब्लैक से बाउंड्रिंग करनी है। सो मैं भी अपने फेवरेट यूनिकॉर्न की सबसे पहले बाउंड्री कर रही हूँ एंड यूनिकॉर्न किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। सो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी इसकी ब्राउन बाउंड्रिंग कर रही हूँ एंड इसी तरह आपको अपनी सभी ड्राइंग्स की मतलब सभी ड्राइंग्स की आपने बाउंड्री करनी है। यार मैंने एंग्री बर्ड की भी कर ली हूँ एंड सब की मैंने कर ली है यहाँ पर। सो ये है एवोकाडो जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है ना एंड न्यूटेला मेरी फेवरेट एंड यहाँ पर है रोज़ फ्लावर, ये है फिश, ये है पियर जो कि फ्रूट होता है, ये है मेरा फेवरेट एंग्री बर्ड एंड माई मोस्ट फेवरेट यूनिकॉर्न। सो सभी हो गए हैं एंड चलो हम इसे पैक की मदद से सिक्योर कर देते हैं एंड नाउ वी हैव डन। अब मैं इसे बॉक्स में रख दूँगी एंड जिन जिन के पास डबल साइड टेप नहीं है सो वीडियो ख़ास उनके लिए है। मेरे पास भी डबल साइड टेप नहीं थी तो मेरे दिमाग में एक फैंटास्टिक आइडिया आया। सो यहाँ पर मैं कर लूँगी, मैंने यहाँ पर ली है ग्लिटर शीट की एक स्ट्रिप जो कि आप देख सकते हो एंड इसको हम पैक के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा एंड जो हमारी ड्राइंग्स हैं पेजेस हैं वो नीचे नहीं करेंगे। सो मैं आपको दिखा देती हूँ एंड जब भी हम आपको ड्राइंग करनी होगी पेजेस लेने होंगे सो हम जस्ट पैक को जैसे ओपन करते हैं ना वैसे ओपन करेंगे एंड हमारी ड्राइंग्स बाहर आ जाएंगी एंड हम कलरिंग कर सकेंगे ऐसे। एंड जो भी हमें चाहिए होगी पेज वो हम लेके ड्राइंग कर सकते हैं। तो कैसा लगा आइडिया मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। नाउ मैं ले रही हूँ ये ब्राइटो के कलर्ड पेंसिल्स एंड इसको मैं ओपन कर दूँगी एंड ये सारे इसमें कलर्स हैं एंड अब मैं इसको यहाँ ऊपर से ऊपर की तरफ से कट कर लूँगी ताकि सारे कलर्स हमें विजिबल हों एंड जब भी हम कलर करने जाएँ तो हम आसानी से कलर्स ले सकें। सो यहाँ पर मैं इसको ये कट कर रही हूँ, इसी तरह से आपको भी करना है ये दूसरी साइड से भी एंड नाउ कलर्स जो हमारा बॉक्स था वो कट हो गया थोड़ा सा एंड अब हम इसको यहाँ पर स्टिक कर देंगे। ये है कलर्ड पेंसिल्स एंड इसको हम इसके नीचे कलर पेंसिल्स के ऊपर लगाएंगे। सो यहाँ पर मैंने ग्लिटर शीट की मदद से इसके बीच में करके ग्लिटर शीट से स्टिक किया है। सो यहाँ से हमें सारे कलर विजिबल रहेंगे एंड हम कलर आसानी से कर सकते हैं। नीचे की तरफ देख रहे हो अब हमें क्या रखना है, कोई हार्ड सा बॉक्स जिसके ऊपर हम आसानी से कलर कर सकें। सो यहाँ पर मैंने कंटेनर का बॉक्स लिया है एंड इसके रख दिया है ताकि जब भी हम कलर करें तो आसानी से वो कलर हो सके हार्ड बॉक्स। एंड ये हैं कुछ मार्कर्स जो कलर करने में काम आएंगे एंड ये हैं स्टिकी नोट्स। जब भी हमारे ड्राइंग के पेजेस हैं वो अगर ख़त्म हो गए तो हम इनके ऊपर भी ड्राइंग कर सकते हैं।
सो स्टिकी नोट्स को भी मैं रख देती हूँ लेफ्ट साइड पे। एंड ये हैं कुछ HP पेंसिल्स, एंड इनको भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ बॉक्स के आगे। सो, अगर हमें कोई ड्राइंग भी करनी होगी तो हम पेंसिल से या स्केचिंग कर सकेंगे। सो, अब मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ एक पेज पे। तो चलो हम पैक को यहाँ से ओपन करके कोई अपनी ड्राइंग चूज़ करते हैं। सो, आपको पता है मैं कौन सा चूज़ करूँगी? मेरा और सबका फेवरेट यूनिकॉर्न। सो, चलो यूनिकॉर्न पे कलर करते हैं। सो, यहाँ पर मैंने इसको इस वाइट बॉक्स के ऊपर रख दिया है एंड अब हम आसानी से कलर कर सकते हैं। चलो हम वापस अपनी ड्राइंग्स इसके अंदर रखेंगे एंड देन कलर करना स्टार्ट करेंगे। सो, यहाँ पर मैं मार्कर ले रही हूँ। सबसे पहले मैं लूँगी पिंक, एंड इसके लिए आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी अलग बॉक्स की या अलग किसी जगह की। आप आसानी से अपनी कलरिंग किट ओपन करोगी एंड देन कलर आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं येलो से इसको कलर कर रही हूँ, इसके हॉर्न को एंड इसके हेयर्स को। यहाँ पर अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू कलर, एंड उससे भी मैं अच्छे से कलर कर लूँगी इसको। सो, आप लोगों ने देखा कितना अच्छा कलर हो रहा है, एंड नीचे हार्ड बॉक्स की वजह से ये आसानी से कलर हो पा रहा है। एंड अब इसकी नोज़ में मैं पिंक कलर कर दूँगी वापस से। सो, देखा हमारा यूनिकॉर्न कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। एंड इसी के साथ हमारी कलरिंग एंड ड्राइंग भी फिनिश हो गई है। सो, आप लोगों को यूनिकॉर्न कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। एंड मैं आपको बताऊं, हमारी जब सारी पेजेस फिनिश हो जाएंगे तो हम स्टिकी नोट्स पे भी कर सकते हैं। एंड अभी हमारी एक ड्राइंग कंप्लीट हुई है। सो, इसको हम सारे इन नोट्स के पीछे रख के एंड आगे वाले से कलर कर सकते हैं, जैसे अब एवोकाडो की टर्न है। सो, इन सारों को फिर से सिक्योर करके मैं पैक के अंदर लगा दूँगी। सो, आप लोगों को आइडिया कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड ये हम लगाना भूल ही गए थे, तो चलो अब लगा लेते हैं। सो, ग्लू की मदद से मैं इसके ऊपर यहाँ लगा दूँगी कलर्ड पेंसिल्स। एंड अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को मेरी किट कैसी लगी। एंड अब मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह हम लोग क्लोज़ करेंगे। तो सिंपली आपको बस अपनी सारी चीज़ें निकालनी हैं, स्टिकी नोट्स को आपको यहाँ बीच में रख देना है, एंड उस बॉक्स को फिर से स्टिकी नोट्स के ऊपर रख देना है। पेंसिल्स को आप यहीं पर रखोगे जहाँ पर पेंसिल्स पहले थी, एंड मार्कर को आप साइड पर रख दोगे एंड बीच में। तो इस तरह से हमारी कलरिंग किट एकदम अच्छे से तैयार हो गई है। आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। एंड अब देख लो आप लोग कुछ शॉट्स। वो हमारे कितने अच्छे वेस्ट बॉक्स से, चिकन रोस्ट के बॉक्स से हमने इतनी अच्छी कलरिंग किट बना ली। तो आप लोग मुझे बताना अगर आपको भी इसी तरह कोई वेस्ट मटेरियल से न्यू किट्स देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड यहाँ पर इसी के साथ हमारा बॉक्स भी क्लोज़ हो चुका है, एंड इसके एंड देखो कितने आराम से क्लोज़ भी हो रहा है। एंड हम अब अपने बॉक्स के ऊपर लगाएंगे वाइट पेपर, एंड उसके ऊपर हम लिखेंगे कि किट किस चीज़ की है। सो, यहाँ पर मैं इसके साइड्स को कट कर रही हूँ जिससे कि इसका बॉक्स अच्छे से क्लोज़ हो सके। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड्स के कट कर लेने हैं, एंड कट हमने कर ली है। सो, इसको भी कट कर लेंगे, दोनों साइड हमने कट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमें लगाना है वाइट पेपर, एंड ऊपर की तरफ हम लोग लिखेंगे अपने चैनल का नाम क्राफ्ट विद टोटो कलरिंग किट। सो, अगर आपको भी इसी तरह की कोई और किट्स चाहिए मुझे कमेंट करके बताना, मैं इन फ्यूचर आपके लिए ज़रूर से वो वाली वीडियोज़ लेके आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।